जी आज आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये मेरे पास टोनर एंड ये वाइटनिंग क्रीम बनी हुई है। ये बहुत ही अमेजिंग वाइटनिंग क्रीम है, आपके फ्रेकल्स, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी, स्किन को ग्लो करेगी। तो आज की रेमेडी जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो आज टोनर है और एक वाइटनिंग क्रीम है, और जो है ये आप लोगों को इससे आपके स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि कैसे इसको कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सनाज शोज ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। तो व्यूज़ कैसे हैं आप जी? व्यूज़ आज मैं आप लोगों को लाल मसूर की दाल, आप लोग भी देख रहे हैं, लाल मसूर की दाल से मैं आज आपको बहुत अच्छी वाइटनिंग क्रीम और बहुत अच्छा टोनर का तरीका बनाना बताऊंगी, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने करना क्या है, लाल मसूर की दाल जो है वो हम लोगों ने ले लेनी है, ठीक है? लाल मसूर की दाल ले लेनी है, और लाल मसूर की दाल को आप लोगों ने पानी के अंदर जो है ना ओवरनाइट के लिए रख देना है, ठीक है? रात भर भीगी रहे दें। सुबह आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लाल मसूर की जब दाल लेनी है तो उसके अंदर आप लोगों ने 1 ग्लास पानी का जो है ना मतलब आपने 2 स्पून जो है लाल मसूर की दाल के ले लेना है, और जो है ना ये हाफ ले लें, पाउडर बना के ही रख लेना है आप लोगों ने। आप हाफ कप लाल मसूर की दाल ले लें और उसमें जो है ना आप इतना पानी डाल दें कि जो दाल भीगी रहे पूरी रात, आप लोगों ने इसको भिगो के रखना है। सुबह आप लोगों ने सिर्फ उसके अंदर जब आप ग्राइंड करना है, आपने इस दाल को ग्राइंड करना है सुबह, आपको लोगों को इतनी दाल ग्राइंड करनी है उसके अंदर सिर्फ इतना पानी ऐड करना है कि जो है ना वो थिक सा पेस्ट बन जाए। जो हमने पूरी पानी रखा हुआ था ज़्यादा 1 कप, वो आप लोगों ने उतना पानी नहीं डालना, पानी कम करके आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि ये जो है ना क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है? इसके आपको पता है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली ये फ्रेकल्स को रिमूव करती है, ठीक है? आप लोगों ने ये ग्राइंड कर लिया, अब जो है ना आप लोगों ने एक बाउल लेना है, उसके अंदर छान स्ट्रेनर लेना है, उसको स्ट्रेन कर लेना है, तो छान लेना है, ठीक है? जो पानी होगा उसको अलग कर लेना है, छान कर जो पानी निकलेगा उसको अलग कर लें, और जो क्रीमी सा पेस्ट होगा उसको आप लोगों ने अलग रखना है, ठीक है? पानी को हम लोग टोनर बनाने में इस्तेमाल करेंगे, और आप इस दाल से क्रीम जो है 1 हफ्ता तक आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है? आप इसको सिर्फ 1 हफ्ता तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, बाउल के अंदर आप लोगों ने जो है वो 1 स्पून जो है इस क्रीम का ऐड करना है। ये टोटल 1 स्पून या 2 स्पून ही निकलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने 1 स्पून इस क्रीम का पेस्ट ऐड कर लेना है। फिर इसके अंदर जो है आप लोगों ने विटामिन ई की कैप्सूल जो है ना डाल देना है, ठीक है? 1 अदद 250 ml के जो है ना कैप्सूल आप लोगों ने 1 अदद डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने जो वाइटनिंग कैप्सूल होता है ना, फेशियल वाइटनिंग कैप्सूल, वो इसके अंदर डाल देना है, दो कैप्सूल, ठीक है? इसमें अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो है ग्लैसरीन। 1/2 स्पून आप लोगों ने इसके अंदर ग्लैसरीन ऐड कर देनी है, और इसके बाद हम लोगों ने एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल के आप लोगों ने 2 चम्मच ले लेने हैं, 2 चम्मच लेके आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी फॉर्म में आ जाए, ठीक है? ये मिक्स कर लेना है आप लोगों ने, फिर इसको आप लोगों ने साइड पे रख देना है, ठीक है? इसको साइड पे आप लोगों ने रख दिया। अब हम लोगों ने टोनर, हम लोगों ने जो दाल का पानी जो अलग किया था बाउल के अंदर, आप लोगों ने टोनर लेना है। दाल का पानी में आप लोगों ने में जो है 2 चम्मच आप लोगों ने रोज़ वाटर ऐड करना है, ठीक है? टोनर में आप लोगों ने 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करना है, और जो है ये देखें आपका टोनर जो है बिल्कुल रेडी है। आप जो हैं क्रीम के अंदर जब आप क्रीम को लगाने लगें तो आप इसमें हुस्न यूसुफ़ का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है? हुस्न यूसुफ़ क्रीम के रिजल्ट को दुगना कर देगा। दाल की क्रीम में जो चीज़ ऐड है इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? इनके आपको पता है कि एलोवेरा, विटामिन ई की कैप्सूल, और क्या कहते हैं वाइटनिंग कैप्सूल, इसके आपको पता है स्किन के लिए बहुत ये बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है? दाल के पाउडर को आप जो है वो जो दाल का पाउडर होता है उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, उसको आप उसके अंदर आप उपटन में भी ऐड करके आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और दाल के पाउडर को आप आटे में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट बना कर यूज़ करते हैं। पाउडर बनाने के लिए दाल को आप लोगों ने क्या करना है, दाल के पाउडर को कैसे बनाना है, पाउडर बनाने के लिए आप लोगों ने दाल को भिगोया, भिगो कर आप लोगों ने उसको 2 दिन के लिए सुखा देना है। 2 दिन के बाद सूख जाएगी तो आप पाउडर बनाकर उसको यूज़ कर लें, ठीक है? आपकी स्किन एजिंग
और पिगमेंटेशन से बचेगी। DIY क्रीम को आप जो है ना ज़्यादा जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। जो DIY क्रीम्स होती हैं उनको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, जैसे दूसरी क्रीम को आप काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं। जो DIY क्रीम्स होती हैं उसको आप 7 डेज फ्रिज में रख सकते हैं। अब आप लोगों ने इन टोनर के आप अगर आप लोग टोनर के क्यूब्स बना के रखना चाहते हैं तो टोनर को क्यूब्स में डालकर फ्रिज में रख लें और रोज़ाना एक क्यूब निकाल कर जो है वो अपने फेस पर मसाज करें। चले हम देखते हैं कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आप लोगों ने फेस को वॉश कर लिया, धो लिया, उसके बाद आप लोगों ने पहले स्प्रे करना है। ठीक है, स्प्रे करने के बाद आपने स्किन में इसको पेनिट्रेट करना है। ठीक है, अच्छे से आपने टैप टैप करना है ताकि स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। जब आप देखेंगे स्किन में पेनिट्रेट हो गई है तो आप लोगों ने क्रीम लगाकर लगाना नहीं है, उसको हल्के से टैप टैप करना है ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए आपकी स्किन के अंदर। ठीक है, जब आपको लगे कि ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गई है तो आप जो है इसको छोड़ दें। आप देखेंगे कि अगर आप रगड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको सन टैन और जो डलनेस है वो सारी रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है कर देना है और इसके बाद आप देख लीजिए कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, ताकि छोटा सा बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।